इनकी गाड़ी सामने खड़ी है, टोइंग मशीन ये है, तो चलते हैं। तो गाइस फाइनली गाड़ी के अंदर आ गए, सामने पुलिस वाले अंकल बैठे हुए सारे। तो गाइस आ गई है पानीपुरी। वैसे बहुत कम देखने को मिलता है ये जो है वुडन, एकदम मतलब बहुत खर्चा किया है भाई। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुड़गांव। और आज दिन कुछ ऐसा ही है, अभी अभी उठा हूँ और उठ के सीधे तैयार होके जा रहे झाड़ू। आज पानी ज़्यादा गिरा दिया आपने? पानी ज़्यादा नहीं गिरा दिया, वो सफाई नहीं करती आज, मैं साफ कर रही हूँ, पानी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा सो ऑलराइट गाइस, आज है 22 अगस्त एंड मैं जैसे कि आप जानते हो गुड़गांव वापस आ चुका हूँ अपनी ट्रिप से केदारनाथ यात्रा की। एंड मतलब आज ही वापस आया हूँ, तो इसलिए कल रात मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था। एंड आपको मैं बता दूं कि जिसने मेरी केदारनाथ ट्रिप नहीं देखी है, उत्तराखंड की रीसेंट सीरीज नहीं देखी या तुंगनाथ ट्रिप नहीं देखी है, तो वो जाके देखे गाइज। अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है आज का दिन। अभी मैं सुबह से उठा, कुछ हुआ कुछ तो किया नहीं है, लेकिन अभी बस नहा धो के तैयार हो गए, तो अभी तैयार तो हो गया हूँ। बस आज का रूटीन ऐसा है, अभी सबसे पहला जो काम है, याद आया, बैंक में जाना है आज मेरा। मतलब जैसे आप जानते हैं मैं केदारनाथ ट्रिप से आया हूँ, तो मैंने बहुत सारे डिवाइस चेंज किए थे। जैसे मैं नॉर्मली जब शूट करता हूँ तो एप्पल मोबाइल से शूट करता हूँ, आज नहीं कर रहा हूँ, आज तो मैं नॉर्मल सैमसंग के मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। बट इसकी क्लैरिटी भी अप टू द मार्क है, कोई इशू नहीं है। बट नॉर्मली मैं एप्पल मोबाइल से शूट कर रहा होता हूँ, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी थी। एप्पल में मतलब लॉगिन करना पड़ा अपना, एंड मतलब जैसे मतलब बैंकिंग एप्लीकेशन हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। एंड अभी अर्जेंटली मुझे कुछ पैसों को ट्रांसफ़र करना है, मोर देन फोर मतलब कितने 4 लाख रुपए मुझे ट्रांसफ़र करना है, अब वो हो नहीं पा रहे हैं, तो अब मुझे जाना पड़ेगा बैंक। क्योंकि वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैंने जस्ट नाउ दूसरी डिवाइस में लॉगिन कर दिया। अब गूगल पे में अकाउंट में बहुत सारी जगह मैंने जस्ट नाउ लॉगिन किया, अब वो बोल रहा है कि 24 आवर्स और कुछ में बोल रहा है 7 डेज कि आपका मिनिमम अमाउंट स्पेंड ये रहेगा, तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि अभी अर्जेंट में पैसे भेजने थे मुझे, तो अभी नहीं भेज पाया, तो सिर्फ 1 लाख ही ट्रांसफ़र हो पाया था, क्योंकि वो मैंने पहले ही कर दिया था। तो 1 लाख के बाद अब बाकी की अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, तो लेट्स सी, चलते हैं। सो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और ट्रैफिक तो है नहीं रोड पे, खास ट्रैफिक नहीं है इस समय, मतलब देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक है, इजीली आप इंजॉय करके चल सकते हैं, कोई ज़्यादा इरिटेट नहीं होना पड़ेगा आपको। तो अभी मैं जिस एरिया के आसपास हूँ, ये है न्यू पालम विहार और पीछे अशोक विहार भी है। मैं जिस रोड पे हूँ अभी वो मतलब कोलंबिया एशिया, यहाँ पे मतलब जो हॉस्पिटल था, नाउ आई थिंक इट्स मणिपाल हॉस्पिटल, एंड सामने अंसल प्लाजा भी है। तो मैंने देखा यहाँ पे ग्लोबल फायर जो मॉल है या आई थिंक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें शायद बैंक हो सकता है कोटक महिंद्रा का, तो लेट्स सी वहाँ पे मिल जाएगा तो बढ़िया है, मतलब आसपास ही होगा थोड़ा सा। तो लो जी अंसल प्लाजा रिजांगला चौक के आसपास मैं पहुँच गया हूँ, एंड अभी देखते हैं यहाँ पे बैंक है मतलब है या नहीं है। मैं गूगल मैप पे तो दिखा रहा है, तो ग्लोबल फायर के आसपास मैं आ गया हूँ एंड अभी ढूंढनी पड़ेगी पार्किंग। सबसे पहले तो मेन कंसर्न पार्किंग ही होता है, पर तब तक मैं ये कहना चाह रहा था कि गाइज अभी अभी मैं केदारनाथ ट्रिप से हो गया हूँ, तो आप मैं मतलब जो व्लॉग्स हैं वो अपडेट कर दिए हैं, तो आप जाके देखो, प्लेलिस्ट शॉर्ट्स सब कुछ मैंने अपडेट कर दिया है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आप जाके देखें, एक बार विजिट जरूर करें। और इससे पहले हमने एक्सप्लोर उत्तराखंड प्लेलिस्ट भी बनाई थी, वो भी आप जाके देखें, उसमें तुंगनाथ ट्रैक हमने किया था एंड डिटेल्ड वीडियो हमने डाली है बहुत सारे प्लेसेस की, जहाँ पे नॉर्मली आप केदारनाथ की पुरानी वीडियोस भी देखोगे तो उसमें भी डिटेल ट्रैक आपको नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे मैंने डिटेल ट्रैक डाले हैं। और इसके अलावा मतलब आपको
जो एरियाज के हिसाब से भी डिटेल्ड वीडियो बना के दिए हैं, तो मैं पार्क यही करूंगा अभी मेन रोड पे, चलते हैं। तो एक हिसाब से ये मॉल के अंदर ही बैंक है मेरे ख्याल से, तो बढ़िया है। ये रहा कोटक महिंद्रा बैंक, चलते हैं बैंक के अंदर। सो गाइस, फाइनली बैंक का काम तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने गाड़ी खड़ी करी थी रोड पे, टो होके चली गई। तो क्या हुआ, टो होने के बाद क्या हुआ कि मतलब 1000 रुपये का फाइन था, वो मैं भर के आ गया। फिर मैंने कहा तुम यहीं पे रखो गाड़ी। तो गाइज अभी मैं हूँ मतलब ग्लोबल फॉयर मॉल में, वो उस साइड में गाड़ी मतलब पुलिस वालों के पास पार्क है। पार्क मतलब मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अभी आप अपने पास ही रखो, थोड़ी देर में आके ले जाऊँगा। चालान वालान मैंने 1000 रुपये का कटवा दिया है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मेरे को भूख लगी है तो मैं जाऊँगा खाना खाने पहले हल्दीराम में। गाइज मेन्यू तो सामने लगा हुआ है लेकिन कोई है नहीं यहाँ पे अभी। ऑर्डर दे दिया है, बस रिसीव करना बाकी है। आज का सीन थोड़ा ख़राब हो गया है, जैसे कि आपको पता ही है चालान हो गया है, तो अब क्या किया जाए, हो गया तो हो गया। सो गाइज मैं हूँ हल्दीराम के अंदर, वो देखो सामने वो गाड़ी खड़ी है हमारी, पुलिस वाले भी वहीं पे हैं, लेकिन गाड़ी मैंने इस साइड कहीं रोड पे लगाई थी। तो 1000 रुपये का चालान हो गया भाई, और मैंने उनको बोला कि मैं थोड़ा बैंक में जा रहा हूँ, आप गाड़ी यहीं पर रहने दो, मैं बाद में ले जाऊँगा। तो बहुत अच्छे थे वो पुलिस वाले, बहुत अच्छे थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टेंशन वाली बात है कि चालान कट गया। अभी तो बस मतलब 3-4 सब्सक्राइबर और बढ़ा दिए, जिनमें हरियाणा पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस। उन्होंने छूटते ही मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, बोला भाई आपका चैनल कौन सा है, बहुत ये वो सो। तो मैंने उनसे अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवाया, बहुत ही सपोर्टिव थे, अच्छे थे। तो गाइस आ गई है पानी पूरी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, दही के कुछ के आलू टिक्की शिकंजी। तो अभी के लिए तो काफ़ी है, फिर चलेंगे लंच करने बाद में। तो गाइस खाना खा के अभी हो गया, लेकिन मुझे SBI की ब्रांच में भी जाना था, उसमें भी थोड़ा सा कार्ड में कुछ इश्यू आ रहा है, तो मुझे चेक करना था क्या इशू है। तो चलो चलते हैं, पहले गाड़ी रिसीव करते हैं। चालान तो मैंने कटवा ही लिया, तो बस लेके आनी है, और सामने खड़ी है। मैंने कहा चलो पार्किंग मिल जाएगी सेफ, तो वहीं छोड़ दी फिलहाल के लिए, चलते हैं। तो ये जी आ गए हम पुलिस की पार्किंग में, इनकी गाड़ी सामने खड़ी है, टोइंग मशीन ये है, तो चलते हैं। तो गाइस फाइनली गाड़ी के अंदर आ गए, सामने पुलिस वाले अंकल बैठे हुए हैं सारे तीनों, मतलब वो नाश्ता भी कर रहे हैं। तो ये मेरा काम हो गया। तो फाइनली गाइस आ गया मैं। तो गाइस अभी मैं हूँ बैंक के अंदर, एंड यहाँ पे तो काम हो नहीं पा रहा है क्योंकि उनके बस का तो है नहीं, बोल रहे हैं कस्टमर सर्विस से ही हो पाएगा, तो उस हिसाब से। सो गाइस फाइनली दिन का सारा काम निपटा के मैं घर पे आ गया था, और मैं सो गया था। फिर अभी शाम हो गई है, तो आज दिन में बहुत कुछ हो गया। वैसे भी सुबह से मैं बैंकों का काम भी कर रहा हूँ, बैंक का काम भी कंप्लीट हो गया, SBI का, कोटक का, दोनों का हो गया। इसके अलावा चालान भी काट दिया आज, वो भी सिर्फ एक पार्किंग के लिए छोटे से, वो भी 5 मिनट में ही उठा ली थी गाड़ी, मतलब नॉर्मली 10-15 मिनट लगते हैं, आज 5 मिनट में ही उठ गई थी। तो अभी रात के बज चुके हैं 8, मैंने वीडियो कर दी है लाइव, केदारनाथ ट्रिप की पहली जो हमारी एपिसोड है वो लाइव हो गया है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ भाई, आफ्टर लॉन्ग ट्रिप मैं वापस आया हूँ, तो थोड़ा बहुत ग्रॉसरी वगैरह का सामान है जो अभी तक आया नहीं है घर में, मतलब लाना है, तो मैंने लिस्ट मतलब वही सुबह से लिस्ट बना दी थी। तो अभी जाके हमारे नियर बाई एक सुपर मार्केट है, तो उसमें जाके लेते हैं सामान। सो गाइज मेरे एरिया के आसपास ये डेली नीड करके नया मार्ट खुला है, तो मुझे लगता है इसमें भी ट्राई करना चाहिए डेली नीड करके, इसमें मल्टीपल फ्लोर में आई थिंक इन्होंने सामान रखा होगा।
वैसे बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो है वुडन एकदम, मतलब बहुत खर्चा किया है भाई। हो गया गाइस, फाइनली आ चुका हूँ मैं घर पे एंड खाना भी खा लिया है। तो ऑलरेडी रात के 10:30 हो गए हैं, तो इट्स टाइम टू स्लीप। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसने मेरी केदारनाथ सीरीज़ नहीं देखी वो प्लीज़ जाके देख ले हमारी प्लेलिस्ट केदारनाथ ट्रिप में, और धनौल्टी सीरीज़, तुंगनाथ सीरीज़, एक्सप्लोर उत्तराखंड में आपने नहीं देखा तो आप देख लें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।